स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। ।1982 में सोवियत संघ ने कॉस्मोस 1408 नाम का जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा। स्पेस में जाने के 2 साल बाद ये बेकार हो गया और तब से ये अपनी कक्षा में लगातार घूम रहा था। आखिर नवंबर 2021 में रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करके इसे नष्ट कर दिया। इसके करीब 1500 टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। इससे पहले अमेरिका 2008 में और चीन 2007 में ऐसा कर चुके हैं। रूस के कदम की कड़ी आलोचना हुई क्योंकि सैटेलाइट के टुकड़े किसी यान से टकरा सकते थे और स्पेस में बड़ा हादसा हो सकता था। आशंका जताई जाने लगी कि रूस ने ये दिखा दिया था कि वो बिना कोई कानून तोड़े अंतरिक्ष में सैटेलाइट नष्ट कर सकता है। इस बार उसने अपना सैटेलाइट नष्ट किया, लेकिन अगली बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं। तो इस बार दुनिया जहान में पड़ताल इसी की कि स्पेस में कौन क्या करे क्या ना करे, इसे लेकर नियम बनाए जाने चाहिए। तो इस हफ्ते हमारा सवाल है कि क्या स्पेस संघर्ष की नई जमीन बनने जा रहा है। पार्ट 1, स्पेस में कचरा। जोनाथन मैकडोवेल हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। वो कहते हैं कि लोग स्पेस को एक वीरान जगह मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अप्रैल 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक पृथ्वी से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर स्पेस में 7300 से अधिक सैटेलाइट तेज गति से चक्कर काट रहे हैं। Everything is traveling at 17,000 miles an hour. ये सभी 17,000 मील प्रति घंटे की गति से तैर रही हैं और हर दिशा में जा रही हैं। ये एक बड़े खेल के मैदान की तरह है जहां खिलाड़ी इधर उधर भाग रहे हैं। अपनी कक्षा में बने रहने के लिए सैटेलाइट को इतनी गति से उड़ना होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन समेत हर सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के करीब 16 चक्कर काटता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सैटेलाइट स्पेस में क्या कर रहे हैं? आमतौर पर सैटेलाइट का इस्तेमाल कम्युनिकेशंस के लिए होता है, जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टेलीफोन और इंटरनेट, या मौसम पूर्वानुमान नेविगेशन के लिए। सैटेलाइट से पृथ्वी की स्थिति देखना आसान है, इसलिए जलवायु परिवर्तन में ये मददगार होते हैं। यानी धरती पर हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा इन सैटेलाइट से जुड़ा है। पहले अधिकांश सैटेलाइट सरकारें लॉन्च किया करती थी। जैसे कोल्ड वॉर के दौरान अधिकतर सैटेलाइट या तो अमेरिका की सरकार के थे या फिर सोवियत सरकार के। लेकिन वक्त के साथ साथ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए निजी कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही हैं। सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में सैटेलाइट स्पेस में चक्कर काट रहे हैं तो वो आपस में टकराते क्यों नहीं है? क्या इनके लिए भी कोई नियम कानून है? इन्हें लेकर नियमन बेहद मामूली है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल के लिए, लेकिन काफी कड़े नियम हैं ताकि आपके भेजे सिग्नल औरों के साथ इंटरफेयर न करें। लेकिन अपने ऑर्बिट में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। स्पेस ऐसी सड़क नहीं है जहां कारें नियम के अनुसार समान गति से एक दिशा में जा रही हों। यहां कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर। आपको मान लेना होता है कि स्पेस बड़ी जगह है और आप किसी से टकराएंगे नहीं। ये बड़ी समस्या बनता जा रहा है। स्पेस अब भीड़ भाड़ वाली जगह बनती जा रही है और टकराव की स्थिति से बचने की कोशिशें भी बढ़ने लगी हैं। अधिकांश कचरे की निगरानी की जाती है, लेकिन जब रूस ने 2021 में अपना सैटेलाइट नष्ट किया तो इससे पैदा हुए कचरे को ट्रैक नहीं किया गया और कचरे का कुछ हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट के पास था। हर 93 मिनट पर मिशन कंट्रोल रेडियो पर स्पेस स्टेशन को संदेश दे रहा था कि आप फिर से कचरे के पास से गुजरने वाले हैं, सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए।
मूल बात यह है कि आपको कचरे की स्थिति का सही सही पता नहीं होता, इसलिए इससे बचना बेहद मुश्किल है। अगर एक देश के अपने एक सैटेलाइट को नष्ट करने से इतना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो तबाही कितनी बड़ी होगी। तो क्या इसकी कोई आशंका हो सकती है कि दो मुल्कों के बीच का तनाव धरती तक सीमित न रहे और वो स्पेस तक पहुंच जाए? Since the beginning of the space age, right, the military have been a presence. जब से मानव ने स्पेस में कदम रखा है, वहां पर सेना की मौजूदगी रही है। लेकिन ये हथियार लॉन्च नहीं कर रहे, बल्कि धरती पर सेना की मदद के लिए जासूसी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों की सेना स्पेस में संघर्ष की बात कर रही है। धरती पर सेना काफी हद तक सैटेलाइटों पर निर्भर है और धरती पर संघर्ष छिड़ा तो मामला स्पेस तक भी पहुंच सकता है। मुश्किल ये है कि ऐसा हुआ तो इससे बड़े पैमाने पर कचरा पैदा होगा और आउटर स्पेस का इस्तेमाल बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यही चिंता का विषय भी है। स्पेस में तनाव का असर लाखों करोड़ों जिंदगियों पर पड़ सकता है, लेकिन ये भविष्य की बात नहीं है, ये शुरू हो चुका है। पार्ट टू, स्पेस ऑर्बिट तनाव। हमारी दूसरी एक्सपर्ट एलेक्जेंड्रा स्टिंग्स फ्रेजर नैश कंसल्टेंसी में स्पेस स्ट्रेटजी लीड हैं। वो कहती हैं कि स्पेस में चल रहे एक दूसरे के अभियान को नुकसान पहुंचाने के मुल्कों के पास कई कारण हो सकते हैं। I think it really ties into the question of what we use space for. मुझे लगता है कि इसका नाता इस बात से है कि स्पेस का इस्तेमाल क्यों हो रहा है और धरती पर चल रहे काम के लिए स्पेस से क्या जानकारी मिल रही है। अगर आप दुश्मन तक पहुंचने वाली जानकारी रोक सकें, तो ये आपकी काबिलियत होगी। स्टिकिंग्स बताती हैं कि स्पेस अभियान में गड़बड़ी करने के कई तरीके हैं। There's a whole range from the anti-satellite missiles that physically destroy. ऐसी एंटी-सैटेलाइट मिसाइलें हैं जो सैटेलाइट को तबाह कर सकती हैं। GPS जैमिंग किया जा सकता है और सैटेलाइट के ऑप्टिकल सेंसर को भी कुछ वक्त के लिए बेकार किया जा सकता है। इस तरह की गड़बड़ी जानकारी को पहुंचने से रोकती है। स्पेस में हजारों सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं और ऐसे में संभव है कि गड़बड़ी जानबूझकर न की गई हो बल्कि हादसा हो। लेकिन ऐसे में कोई मुल्क कैसे तय करेगा कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है और इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? One of the big problems that we're seeing in space is the congestion, particularly in low. हम स्पेस में एक तरह का ट्रैफिक जैम देख रहे हैं, खासकर लो अर्थ ऑर्बिट्स में, जहां बड़ी संख्या में सैटेलाइट मौजूद हैं और यहां कचरा भी है, जैसे कि बेकार पड़े सैटेलाइट, रॉकेट के टुकड़े और नष्ट किए गए सैटेलाइटों के टुकड़े। अगर सैटेलाइट काम करना बंद कर दे तो आप तुरंत वहां किसी को नहीं भेज सकते। आपको सबसे पहले ये अंदाजा लगाना होगा कि असल में हुआ क्या और क्या ये जानबूझकर हुआ। ये काम बेहद मुश्किल है और ये संभव है कि आपका हिसाब सही न हो। हालांकि इन सब के बीच स्पेस के बहुत से अभियान ऐसे भी रहे जब दुनिया के कई मुल्क एक साथ मिलकर आगे आए। लेकिन ये भी सच है कि स्पेस सेना के लिए भी रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो फिर ऐसे में स्पेस को शांतिपूर्ण जगह बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये वक्त है हमारे तीसरे एक्सपर्ट का। पार्ट थ्री, स्पेस के लिए नियम। मिशेल हैनलन कुछ गिने चुने स्पेस लॉयर्स में से एक हैं। वो अमेरिका की मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्पेस लॉ की सहनिदेशिका हैं। वो मानती हैं कि अगर मुल्कों को ये लगता है कि धरती से हजारों किलोमीटर दूर स्पेस में चक्कर लगा रहे उनके सैटेलाइट कानून के दायरे से बाहर हैं, तो वो गलत हैं। People like to think that space is sort of this. लोगों को लगता है कि स्पेस एक ऐसा जंगल है जहां कोई नियम नहीं है, लेकिन सच ये है कि इंसान जहां जाएगा कानून उसके साथ जाएगा। स्पेस के लिए अब तक कोई विकसित कानूनी फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन अमेरिका के स्पेस में विवादित परमाणु हथियारों की परीक्षा के बाद 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी। मिशेल इसकी तुलना 800 साल पहले
ब्रिटेन में बने कानून के साथ करती हैं। We call this treaty the Magna Carta of space law. It provides guiding principles. हम इस ट्रीटी को स्पेस कानून का घोषणा पत्र मानते हैं। ये नियमों की बात नहीं करता, बल्कि मूल्यों की बात करता है कि देश के तौर पर और इंसानों के तौर पर हमें स्पेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसमें आधार ये होना चाहिए कि सभी समान रूप से स्पेस का इस्तेमाल कर सकें और इसका इस्तेमाल पूरी तरह शांतिपूर्ण काम के लिए होना चाहिए। विशेष रूप से किसी काम को लेकर इसमें कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, एक खास बात की मनाही जरूर है। The one rule that is in space that we have, thankfully, is... इसमें कहा गया है कि जनसंहार वाले हथियार और परमाणु हथियार को ना तो ऑर्बिट के पास और ना ही कहीं स्पेस में रखा जा सकता है। इस बात पर सहमति शीत युद्ध के दौर के बाद बनी थी। आज हम अगर स्पेस कानूनों की बात कर रहे हैं तो ये ट्रीटी उसकी नींव है, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि देश अपना व्यवहार संयमित करें। यानी मुल्कों की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि स्पेस अभियान संघर्ष में तब्दील न हो, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि रूस का अपने सैटेलाइट को नष्ट करना बड़ा मुद्दा बन गया। This is our wake-up call because that test was not illegal. ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये टेस्ट गैर कानूनी नहीं था, इससे किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। हम ये दलील तो दे सकते हैं कि ऐसा करके रूस ने दूसरे मुल्कों के हितों को खतरे में डाला, लेकिन ये कौन से हित थे ये स्पष्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ आने और इस दिशा में नए नियम बनाने की जरूरत है। हो सकता है रूस ने ये टेस्ट ये जानते हुए किया हो कि इसे रोकने के लिए कोई नियम है ही नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि स्पेस में सुरक्षा का क्या? चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी एक्सपर्ट के पास। पार्ट 4, भविष्य की संभावना। शशांक जोशी द इकोनॉमिस्ट में डिफेंस एडिटर हैं और रक्षा व सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लिखते रहते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी पर डिजिटल तकनीक से जुड़े हमले इस बात का संकेत देते हैं कि हम आने वाले समय में साइबर स्पेस और स्पेस में क्या क्या देख सकते हैं। In cyberspace, in recent years, we have seen attacks on power grids. बीते कुछ समय में हमने इंसानी जीवन से जुड़ी हर चीज पर हमले देखे हैं। युद्ध की जड़ें हमेशा पृथ्वी पर ही रहेंगी, फिर चाहे उसके दायरे में साइबर स्पेस आए या स्पेस। जब तक लड़ने वाली ताकतों पर किसी तरह का असर न पड़े, उन्हें रोकने के लिए किसी तरह का प्रोत्साहन न दिया जाए, तब तक कोई भी क्षेत्र युद्ध के प्रभाव से मुक्त नहीं होगा। शशांक की बात को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। रूस पर आरोप है कि वो यूक्रेन की सीमा पर आक्रामक हमले की तैयारी के लिए सैन्य साजो सामान इकट्ठा कर रहा है। ये एक ऐसी चीज है जिसे सैटेलाइट इमेज से साबित किया जा सकता है, लेकिन शशांक का कहना है कि संदेह जताया जा रहा है कि रूस उन तस्वीरों को रडार में आने से रोक रहा है। There's a satellite called the Sentinel-1. It's a radar satellite and it's been used to Sentinel-1 नाम की एक रडार सैटेलाइट है। इसका उपयोग यूक्रेन के आसपास रूसी सैन्य ठिकानों की रडार तस्वीरों को लेने के लिए किया गया। ऐसा मानना है कि तस्वीरें न ली जा सकें, इसलिए रूस इन्हें रोकने के लिए सैटेलाइट से छेड़छाड़ कर रहा है। यह अपने आप में एक पूर्व अंतरिक्ष युद्ध है और यह रोज हो रहा है। साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाली वॉर की तुलना में इस तरह के युद्ध वास्तविकता में अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। जिस देश के पास जितना ज्यादा हार्डवेयर होता है, वह उसे उतना ही अधिक असुरक्षित बनाता है। इस मामले में चीन और अमेरिका लगभग एक ही स्तर पर हैं। लेकिन शशांक का कहना है कि ये मान लेना गलती होगी कि ऑर्बिट में सबसे अधिक अंतरिक्ष यान वाला देश अंतरिक्ष में भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। Middle powers like Iran or North Korea may not have lots of. ईरान या उत्तर कोरिया जैसी मध्य शक्तियों के पास बहुत सारे सैटेलाइट नहीं हैं, लेकिन वो GPS सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जाम कर लेजर से भी स्पेस को प्रभावित कर सकते हैं, और इसीलिए इसमें केवल बड़ी शक्तियां ही शामिल नहीं हैं। अंतरिक्ष को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरे देशों को झुकाने के प्रयास या अंतरिक्ष का उपयोग कैसे किया जाए, ये सब अब केवल चंद हाथों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लोकतांत्रिक होता जा रहा है। तो लौटते हैं अपने सवाल पर, क्या स्पेस
संघर्ष की नई जमीन बनने जा रहा है। हमने जाना कि पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर हजारों सैटेलाइट धरती का चक्कर लगा रहे हैं। वो दुनिया की आबादी को एक दूसरे से जोड़ते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जरूरी जानकारी का जरिया बनते हैं। लेकिन स्पेस का ये हाईवे अब काफी भीड़ भाड़ वाला हो गया है। अब वहां पुराने उपग्रहों का कचरा खतरा पैदा कर रहा है, जिससे सैटेलाइट और उनके देश दोनों के टकराने का जोखिम काफी बढ़ गया है। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोनाथन मैकडोवेल का कहना है कि इस पर सोचने और कार्रवाई करने के लिए अभी भी समय है। स्पेस की ट्रैफिक लेन्स का विनियमन होना चाहिए। स्पेस में मलबे को लेकर नियम होने चाहिए, क्योंकि ये अब अस्थिर हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास एक मौका है जहां हम थोड़ा पीछे हटकर ठहर कर ये सोच सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग कैसे किया जाए।